ठीक है। तो ये है स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है, जिससे हम वायर मेजर करते हैं। तो ये है SWG वायर गेज, ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज। इसमें जो मार्किंग की होती है, तो जो गेज में की होती है वो एक से लेके, ठीक है, ये आगे 31, 32, 33, 34, 35 और 36। तो एक से लेके 36 तक इसमें क्या होता है, एक से लेके, ठीक है, 36 तक जो होती मार्किंग की होती है, ये है SWG, ये होगी तुम्हारी गेज में। इसके बाद ये जो इसमें छोटे लिखे हुए हैं इस साइड अंक, ठीक है, ये वाले जो हैं जो ये दिख रहे हैं जैसे 7.62, तो ये वाला जो है मिलीमीटर में है। अब देखो ये स्टैंडर्ड वायर गेज को हम यूज़ कैसे करते हैं। जब हम किसी भी वायर को ऐसे छील लेते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे इसके वायर ऐसे बिखरे हुए होते हैं, तो इसको पहले हम ऐसे राउंड कर लेते हैं, चाहे आप प्लास से कर लीजिएगा, ठीक है, किसी भी वायर से कर लीजिएगा। तो इसको ऐसे गोल करना है आपको, ठीक है, ताकि ऐसे आपस में मिल जाए। अब आपको इस वायर को, ठीक है, इसके चाहे तो बाहर से लेके जाइए अंदर, चाहे अंदर से बाहर लेके आइए, ठीक है, इस तरीके से आप इसको ले जा सकते हो। तो जैसे देख रहे हो, ठीक है, तो ऐसे जा सकती है ये। तो ये कितने SWG की है, इसके मेज़र के लिए हम यहाँ से इसको लेके जाएंगे। तो अगर ये बाहर निकल जाती है, ठीक है, तो ये उतने SWG की है। तो और अगर ये बाहर नहीं निकलती, ठीक है, जैसे ये नहीं निकल रही है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इस चीज़ से में नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये इतने SWG की नहीं है। तो अगर हम निकाल लेते हैं 16 से, तो 16 से इजली निकल रही है, ठीक है, 17 से भी इजली निकल रही है, 18 से भी इजली निकल रही है, ठीक है, 19 से इजली निकल गई है, थोड़ा सा हल्का सा है बट ये निकल गई है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20, ये 20 में नहीं जा रही है, ठीक है, तो यानी कि कितनी SWG की है, ये 19 SWG की है, ठीक है, तो 19 गेज की वायर है। इसी तरीके से हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, ये देखो, ये 18 से निकल गई, 19 से भी निकल गई, 20 से भी, 21 से भी, 22, ठीक है, 22 में थोड़ा सा हुआ, 23 इसमें जा ही नहीं रही है, तो ये 22 SWG की वायर है, ठीक है, ये वायर जो है 22 SWG की वायर है। ये तीसरा एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं, ठीक है, ये 18 से 19 से भी आ गई है, ठीक है, 20 में काफ़ी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है लेकिन फिर भी आ जा रही है, और 21 में ये नहीं आ रही है, यानी 20 SWG की वायर है ये, ठीक है, और 20 SWG की वायर यानी कि 0.91 मिली। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस टाइप की वायर का, ये वायर जो है, ठीक है, इसको देख लेते हैं हम किस में से जाएगी, ये लगभग, तो ये भी लगभग 19 से आ गई, 20 में ये प्रॉब्लम कर रही थोड़ी सी, लेकिन निकल गई, 19 से निकल गई, 20 में नहीं जा रही है, ठीक है, आप देख रहे हैं 20 में, चलो 20 हो गई, 21, तो ये 21 की नहीं है, ये 20 SWG की है, ठीक है, क्योंकि 20 में से आराम से निकल पा रही है, देखो, ठीक है, 20 से आराम से निकल गई है 20 SWG से। एक लास्ट एग्जांपल ये है, बहुत ही पतली वायर है, ठीक है, अब हमें इसको भी माप मेज़र करना है, तो पतली यानी कि ये और भी ज़्यादा नंबर्स में जाएगी, ठीक है, एक वाली सबसे मोटी है, देख रहे हैं आप, ठीक है, कितनी मोटी वायर हो सकती है, यहाँ को आराम से निकलेगी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 31 या 30 वाली, ये देखो 30 वाली बहुत ही पतली होगी तो ही निकलेगी, ठीक है, 31 में देख लेते हैं, 31 में ये आ गई आराम से, 31 में भी, 32, 32 में देख लेते हैं, निकल रही है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 33 में ये आराम से आ गई है, ठीक है, थोड़ा निकलने में इसको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये 34 में आराम से है, 35, तो ये 35 में नहीं जा रही है, ठीक है, देखिए 35 में नहीं जाएगी, बड़ी मुश्किल से गई है देखिए, लेकिन ये इससे निकल नहीं पा रही है, ठीक है, तो ये 34 की है, 34 में ईजली जा रही है और आ रही है, ठीक है ना, ये देख लीजिए, तो ये 34 SWG की वायर है। तो ये है आपका मिलीमीटर स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है, तो इस तरीके से आप वायर को मेज़र कर सकते हो। इसमें ये पॉइंट भी आपने देख लिया है कि भाई कौन सी वायर पतली होती है और कौन सी मोटी, अगर आपको नहीं है तो थोड़ा सा एग्जांपल देख लो कि 14 SWG की वायर काफ़ी, ठीक है, पतली होती है 7 या 8 से, अगर 8 को मेज़र करोगे तो 8 वाली मोटी है और 14 वाली पतली है, अगर 14 और 21 को मेज़र करना चाहते हो तो 21 वाली पतली है, 14 वाली मोटी है, ठीक है, थैंक यू सो मच।